दोस्तों अभी तक होमगार्ड्स को केवल 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीत होने के बाद अब सरकार ने भी होमगार्ड जवानों को 1058 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय देने का आदेश जो है जारी कर दिया है। यानी कि पुलिस कर्मचारी के बराबर जो है अब होमगार्ड्स को भी मानदेय मिलने लगा है। लेकिन दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फायदा है ये अगस्त 2017 से दिया जाए, ठीक है, अगस्त 2017 से और अब तक यानी कि 2024 तक, तो कुल मिलाकर 7 साल का पीछे का पैसा जो है आपका मिलेगा, ठीक है, यानी कि 7 साल का एरियर आपके खाते में पहुंचेगा। खबर दोस्तों कहां से आ रही है, क्या खबर है, कितना बजट चाहिए सरकार को, सरकार की क्या मंशा है और आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य का नाम लिखकर आगे जरूर लिखिएगा होमगार्ड न्यूज, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों मामला जो है वो झारखंड का है। झारखंड में हमारे होमगार्ड जवानों को अभी तक केवल 500 रुपए मिलते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीत होने के बाद अब जवानों को 1058 रुपए देने का जो आदेश है वो हेमंत सोरेन सरकार ने जारी कर दिया, ठीक है। लेकिन पेच कहां पर अटक रहा है, पेच अटक रहा है दोस्तों अगस्त 2017 से 2024 तक का जो बकाया पैसा है वो कैसे दिया जाए, ठीक है, उसी को लेकर यहां पर न्यूज़पेपर ने एक न्यूज लगाई है। मैं आपको दिखाता हूं न्यूज़पेपर की कटिंग, जूम करके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है होमगार्ड को 7 साल का बकाया भुगतान बड़ी चुनौती। देखिये ये खबर जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने अपने रांची एडिशन में प्रकाशित की है। लिखा हुआ है होमगार्ड के जवानों को समान काम के लिए समान वेतन भत्ते से संबंधित बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए दिए निर्देश के बाद इन जवानों का दैनिक कर्तव्य भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 1088 रुपए किया जा चुका है। इधर हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2024 के लिए अपने एक फैसले में 25 अगस्त 2017 से जवानों को बकाया राशि भुगतान का निर्देश दिया है। यह निर्देश 10 अगस्त 2024 की तिथि से लागू होगा। इस मामले में राज्य सरकार को अब 27 सितंबर यानी कि शुक्रवार यानी कि दोस्तों कल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त 2017 से लेकर 7 वर्षों तक बकाया राशि जो आकलन किया गया है वह कम से कम 400 करोड़ तक है। इतनी बड़ी राशि देना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। बीते 3 सितंबर को गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा एक पत्र विभाग के प्रधान सचिव को लिखा गया था। पत्र में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के पालन में दिशा निर्देश मांगा गया। इसके जवाब में 20 सितंबर को विभाग के संयुक्त सचिव ने गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महानिदेशक सह समादेष्टा को पत्र लिखकर जानकारी दी कि वित्त विभाग से परामर्श के लिए फाइल भेजी गई है। तो जो एरियर है वो आपका 25 अगस्त 2017 से देने की बात हाईकोर्ट ने कही है, ठीक है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि भाई होमगार्ड को ये जो फायदा है वेतन बढ़ोतरी वाला, मानदेय बढ़ोतरी वाला, ये 25 अगस्त 2017 से दिया जाए। अब इसकी फाइल तैयार कर रहा है विभाग और वित्त विभाग के पास जो है दोस्तों फाइल भेजी गई है कि भाई 400 करोड़ रुपया अब कहां से लाया जाए और कैसे जवानों को दिया जाए। अब हाईकोर्ट में दोस्तों तारीख भी है, 27 सितंबर को ये तारीख लगी हुई, यानी कि कल ये तारीख है, उस पर भी मेरी नजर बनी रहेगी। हाईकोर्ट क्या कहता है या फिर विभाग अपना पक्ष किस तरीके से रखता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं उत्तर प्रदेश में भी यहां पर एरियर का फायदा हमारे जवानों को मिल चुका है, कुछ विभागों का रह गया वो भी जल्दी ही मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि भाई झारखंड में भी होमगार्ड जवानों को 7 सालों का एरियर मिलेगा। जैसे ही कंफर्म होगा, कोई आदेश आएगा, कोई भी न्यूज आएगी देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड जवानों से रिलेटेड, आपका भाई आपको सबसे पहले पहुंचा देगा।
आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।